नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके हमने इस परिवार धर्मेंद्र गणी में। मित्रों, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज और बच्चों के कमेंट्स के थ्रू हम लेकर आए हैं कि बच्चों ने कमेंट्स की थी कि सर लेटर लिखना बताइए आप, तो हम लेकर आए हैं आपको लिए इस वीडियो में कि हाउ टू राइट अ लेटर, एक पत्र यानी पत्र कैसे लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आपके दो अंक का यानी लघु उत्तरी में एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके दो अंक कन्फर्म हैं यानी पक्के होंगे, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आपको पत्र कैसे लिखना होता है, पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं क्या क्या होते हैं, आपको कैसे लिखना चाहिए, उन्हें किस तरह उसके प्रारूप यानी रूपरेखा तैयार होती है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लिखना चाहिए, काफ़ी डिटेल को चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मित्रों, आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि परिवार आप ही का है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। और आपकी तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, फिर भी अभी भी इसमें संभावना ये है कि ये डेट परिवर्तन हो सकती है मित्रों, क्योंकि CRPF का जो पेपर है वो भी 14 को है और हमारी जो BTC वाली डेट 14 से ही स्टार्ट हो रही है। इसलिए मित्रों, कुछ काफ़ी डिस्कस चल रहा है, हो सकता है एक दो दिन में इसका हल निकले, तो हल आपका निकलता रहेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं देना है, अपनी तैयारी को जारी रखिए और बेहतर तरीके से उसे जारी रखिए। जी हाँ मित्रों, UPDLED सफ़र मास्टर बनने तक का, क्योंकि आप उस सफ़र पर हो जिस सफ़र पर आपको UPTET सुपर टेट के बाद यानी आपको एक सरकारी विद्यालय में आपको एक सीट रिजर्व यानी पक्की करनी होगी, और इस सीट को रिजर्व करने के लिए एकेडमी और आपका परिवार आपके साथ है, क्योंकि UPTET की क्लासें बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उन्हें भी देखें, क्योंकि सबसे पहले तो आपका जो मेन मोटिव है, जो प्रेजेंट है यानी जो UPDLED सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा है उसे क्लियर अटैक करें क्रैक करें, क्योंकि हमारे सफलता और आपकी मेहनत आपको 90+ स्कोर यानी एकेडमिक स्कोर के लिए बाध्य करती है। इसलिए मित्रों, उम्मीद है मुझे और पूर्ण विश्वास ही है कि आपका जो स्कोर है वो 90+ ही रहेगा, क्योंकि जो आपने चैनल से तैयारी की है, क्योंकि इस प्रकार इस पर नोट तैयार किए गए हैं, आपको क्लासेस इस प्रकार दी गई हैं कि आप बेहतर तरीके से 90+ स्कोर आसानी से ला सकते हैं मित्रों, क्योंकि आप ही का परिवार है। और अगर यदि आप UPTET की बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होता है, जो UPTET परीक्षा प्रस्तावित है वो अक्टूबर में संभावित है मित्रों, तो उसके लिए UPTET की बेहतर तैयारी के लिए 120+ स्कोर के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सीट सरकारी विद्यालय आपकी पक्की है, क्योंकि अकेडमी और आपका परिवार आपके साथ रहेगा जब तक आपको एक सीट रिजर्व नहीं हो जाती मित्रों। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मित्रों कमेंट में हमें अवश्य लिखें, आपके कमेंट के लिए हम आमंत्रित करते हैं मित्रों आपको। तो सबसे पहले लेटर क्या होता है, हम आपको लेटर से परिचित कराएंगे, यानी जैसे पत्र क्या होता है, उसे किस प्रकार लिखेंगे, उसकी रूपरेखा यानी फेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यानी लेटर का परिचय कराते हैं। तो लेटर राइटिंग इज अ स्किल्स, यानी लेटर जो पत्र लेखन है या पत्र लेखन क्या है, एक कला है, एक कौशल है, कौशल क्या है, एक कला है, दैट हैज़ टू बी डेवलप, इट इज एन इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर्स। तो देखिए, दैट हैज़ टू बी डेवलप, यानी यह एक ऐसी कला है जो क्या की जाती है, विकसित की जा सकती है, क्या की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, या इसमें अभ्यास के द्वारा आपको दक्षता प्राप्त की जा सकती है। यानी पत्र लिखना एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल्स है जो आपको अभ्यास के द्वारा या आपके उसे डेवलप या विकसित किया जा सकता है, या आप उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लेटर आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स। तो देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंस मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसका जो मुख्य हमारा इम्पोर्टेंट है यानी गुण है वो है हमारी दो व्यक्तियों के मध्य, यानी दो व्यक्तियों के मध्य जो कम्युनिकेशन है यानी अंतःक्रिया है वो इस लेटर के माध्यम से हो सकती है, यानी पत्र लेखन के माध्यम से होती है। ये एक ऐसा भी साधन है जिसके द्वारा आप अपने आचार विचार को भी एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आर मोस्ट कॉमनली यूज रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स, यानी यह एक ऐसा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप पत्र लेखन से अपने आचार विचार एक दूसरे के, जो आपसे कई कोसों मील दूर हैं इस समय, तो अपना कम्युनिकेशन यानी जो रेडियो मोबाइल चल गया है, लेकिन
जो कम्युनिकेशन है हमारा जो पत्र के माध्यम से भी होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया होती है आप उसे पत्र के माध्यम से भी संपन्न कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यह पत्र आपका अच्छा कैसे हो, एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या होनी चाहिए ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस समय जो वर्तमान में आपको पत्र की काफ़ी महत्वता है, उसका काफ़ी गुण है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, इट इज जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, क्योंकि देखिए यह एक सामान्य है और इसके दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। देखिए, लेटर तो हमारे कई प्रकार से होते हैं, जैसे पर्सनल लेटर्स है यानी निजी पत्र है हमारा, ऑफिशियल लेटर्स है यानी कार्यालय पत्र है, लेकिन वो सभी हमने औपचारिक यानी दो रूपों में डिवाइड कर दिया है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। अगर फॉर्मल लेटर को हिंदी में हम औपचारिक पत्र कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम अंग्रेजी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि फॉर्मल लेटर्स एक ऐसा पत्र होता है जो हमारा निजी पत्र होता है, जैसे हमारे कोई पर्सनल पत्र है तो वो हमारा औपचारिक लेटर्स हुआ, हमारा जैसे ऑफिशियल लेटर्स है यानी कार्यालय पत्र है तो वो औपचारिक पत्र हुआ। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस पत्र है या आपको किसी अन्य संस्था को देना है वो, तो वो आपका इनफॉर्मल लेटर्स में आता है मित्रों। तो सबसे पहले यानी लेटर की विशेषताएँ पढ़ेंगे हम, लेटर कैसा होना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इसे आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आपके कुछ बिंदु हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो लेटर यानी आप पत्र लिखते हो उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सामने वाले के लिए उसकी भाषा सुस्पष्ट हो। सुस्पष्ट होने से मतलब ये है कि उसका अर्थ है, जो भाव अर्थ है वो उसे अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी के शब्दों को एज इट इज लिख दोगे, जी नहीं, आपको उसे अपने शब्दों में परिवर्तित करके इस तरह परिवर्तित कीजिए कि सामने वाला जो आपके पत्र को पढ़ रहा है उसे भावार्थ को आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड पॉइंट ये है, ये देखिए ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके थ्रू आप अपने लेटर को और प्रभावी बना सकते हैं मित्रों। सेकंड आपका बिंदु ये है कि जो आपकी विषय सामग्री है, यानी आपने जो टॉपिक लिया हुआ है कोई भी थीम्स के आधार पर, या टॉपिक लिया हुआ है या कोई सब्जेक्ट लिए, तो उसका जो समय सामग्री होती है वो एक सीक्वेंस में यानी क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए, यानी जो भी हमें टॉपिक दिया गया है उसमें क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जैसे आपको अगर विद्यालय पर आपको लेटर्स लिखना है तो विद्यालय के पहले साफ़ सफाई, उसके बाद रूम्स, टीचर्स, इस तरह एक सीक्वेंस में आपको एक लेटर लिखना होता है मित्रों। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसका जो यानी पत्र लेखन का जो आपका थर्ड पॉइंट है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपके लिए आपके पत्र को प्रभावी बना सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि पत्र आपका संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त यानी शॉर्टली होना चाहिए पत्र, यानी कि आप पत्र को क्या है लॉन्गली कर दो, यानी उसे आवश्यक बातें लिखनी चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, टू दी पॉइंट हैं, उन्हें ही लिखना चाहिए। अनावश्यक बातों को उसमें इग्नोर कर देना चाहिए, यानी हमें बिल्कुल नहीं लिखना होगा पत्र में, हमें संक्षिप्त में लिखना होगा, और जो आवश्यक हैं उन्हीं को लिखें, और जो अनावश्यक बातें हैं उसे इग्नोर कर देंगे, उसे आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनावश्यक बातें आपको पत्र लेखन में आपको क्या नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाती हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है मित्रों, इसका पत्र लेखन का फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रत्येक बात के लिए अलग अलग से अनुच्छेद यानी पैराग्राफ होना चाहिए। अगर आपको कोई एक बात अलग से पहले पैराग्राफ में हो गई, स्पष्ट हो गई, अगर सेकंड बात को भी क्लियर करना है तो उसके लिए अलग से पैराग्राफ होना चाहिए, यानी आप जितनी बातें यानी उसमें डालोगे तो वो आपको अलग अलग पैराग्राफ में स्पष्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए एग्जामिनर को कि हाँ इन बच्चों में यानी पत्र लेखन का जो गुण है वो क्वालिटी डेवलप है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप पत्र में ऐसे इस प्रकार हो जाओगे मित्रों कि जो दो अंक का पत्र आएगा आप उसे एज इट इज यानी आँख बंद करके, मेरा मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके लिख लोगे, आपकी समझ में आ जाएगा तो आप उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हो। और इसका जो पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है या गुण है कि जो पत्र में हमारे में काट पीट बिल्कुल ना हो मित्रों, क्योंकि जो काट पीट होने का हमारा मतलब ये दर्शाते हैं कि हमने त्रुटि की है, गलतियाँ हो रही हैं हमसे लिखने में, इसलिए जो एग्जामिनर होता है उसे हमें इग्नोर यानी जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपके बढ़ जाएंगे और जो पॉजिटिव चांस होते हैं वो कम होने लगते हैं। इसलिए पत्र में कभी भी काटपीट नहीं होनी चाहिए, और हमेशा लिखते समय आपको हैंड राइटिंग यानी जो आपकी कला है, राइटिंग है, स्किल्स है, यानी आपका लेखन का जो कौशल है, आपकी हैंड राइटिंग है, स्पष्ट होनी चाहिए, उसका लेखन का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक लेखन स्पष्ट नहीं लिखोगे सामने वाला आपके पत्र की भाषा को नहीं समझ पाएगा मित्रों। तो क्लियर, ये पाँच बिंदु हैं जो आपको अपने पत्र को प्रभावी तरीके से यानी सामने वाले के लिए अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और आपके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं। तो मित्रों, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं या इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसका थीम्स क्या होता है, किस तरीके से हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको
सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है, यानी हमारा पत्र किस पर है। देखिए अगर उसमें लिखा है कि आपको पत्र या फिर सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है तो आपको सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मित्रों के प्रश्न में दिया है कि आप कोई फेवरेट गेम्स है या विद्यालय पर लिखिए या कोई आपको दे दिया एक टॉपिक दे दिया, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड आपको टॉपिक दे दिया तो आप उसमें क्लियरिफिकेशन करोगे, उसका पत्र लिखोगे। या कोई अपने सक्सेस या अपनी सक्सेसता को अपने परिवार को बताना है या अपने मित्रों को देना है तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है। जो भी सब्जेक्ट होती है या सब्जेक्ट कह लो या उसे हेडलाइन कह लें हम, वो आपको क्या करना चाहिए, ये आपकी जो आपको पत्र में ये सबसे अहम होती है, अहम हिस्सा होता है सब्जेक्ट को चूज करना, यानी क्योंकि सब्जेक्ट के अधूरे हैं ये जो हमारा पत्र है वो एक अपाहिज हमें महसूस होता है, यानी बिना सब्जेक्ट के पत्र हमारा बिल्कुल ठीक नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है मित्रों, बॉडी। बॉडी मतलब उसकी प्रारूप या रूपरेखा, यानी हमारे पत्र की जो बॉडी होनी चाहिए, द बॉडी ऑफ द लेटर्स, यानी हमारे जो पत्र है उसकी रूपरेखा किस तरह होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए ये पत्र का जो होता है मेन पार्ट होता है हमारा बॉडी, यानी पत्र का जो मुख्य भाग होता है वो उसकी प्रारूप होता है या रूपरेखा होती है, और इसे हमें अनुच्छेद यानी छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफों में आपको इसे लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस क्या होता है मित्रों, सैल्यूटेशन एक ऐसा होता है जो इसके अंतर्गत उन्हीं शब्दों को लिखा जाएगा, यानी मित्रों इस सैल्यूटेशन के अंतर्गत ऐसे शब्दों को लिखा जाता है जिनका या उसके पत्र से दोनों ओर संबंध ज्ञात हो, यानी किसी भी व्यक्ति को हमें संबंध दर्शाना है तो ऐसे लिखा जाएगा, सैल्यूशन में लिखा जाएगा, और इसके अंतर्गत सिर्फ उन्हीं शब्दों को लिखा जाएगा जिनसे उसका और जिसे पत्र से लिखा जा रहा है दोनों का संबंध ज्ञात हो, यानी पत्र लिखने का वाले का और जो पत्र प्राप्त करने वाले का, जैसे डियर्स मिस्टर मिसेज एंड डियर सर मैडम्स, ये शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आपके और सामने वाले को दोनों को ही संबंध को दर्शाते हैं, जो रिलेशन होता है हम दोनों इन दोनों बीचों का, ये टू ईयर रिलेटिव यानी दोनों के संबंधों को दर्शाने के लिए हमें सॉल्यूशन लिखना होता है, और इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है डियर्स मिसेज मिस्टर डियर्स सर मैडम आदि, जैसे माय डियर फादर्स माय डियर ब्रदर्स डियर आंट्स आदि, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में लिखे जाते हैं मित्रों। फोर्थ पॉइंट है इसका एड्रेस एंड डेट्स। तो देखिए मित्रों अगर आप किसी अन्य संस्था को प्रेषित कर रहे हैं तो आपको एड्रेस और डेट फिल करनी होती है, अदरवाइज आपको जैसे ही आप जैसे अपना पत्र एग्जाम में आया तो आप उसे लिख रहे हो तो आपको सिर्फ डेट डालनी होती है, क्योंकि उसमें एड्रेस और नेम के लिए आपको पहले से ही मना कर रखा होता है, यानी आपको एड्रेस और अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो एक यानी इसके राइट हैंड में जो पत्र लेखन करते हैं उधर से हमें क्या यहाँ डेट डाल देंगे फिर कर देंगे और अपना जो पता है वो मिस गया, यानी उसे हम लिखेंगे नहीं मित्रों। और लास्ट आता है जो अंतिम है सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन आपका कैसा होना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन कैसा होना चाहिए मित्रों, ये पत्र के हमारे दाहिनी ओर यानी राइट हैंड पर होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ये हमारे पत्र के दाहिने ओर पर होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड बटन ऑन द लेटर्स यानी राइट हैंड में होना चाहिए, और इसके अंतर्गत लेखक जिसे भी पत्र लिख रहा है उसके अपने संबंधों को ध्यान में रखकर उसे उपयुक्त यानी अच्छे और उपयुक्त यानी पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे किसी सगे संबंधी को लिखना है या अपने रिलेटिव को लिखना है या अपने टीचर्स को लिखना है या अपने माता पिता को लिखना है, किसी को भी लिखना है, तो जैसे अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो यो सिंसियरली योर्स आदि, ये शब्द हैं आपके, ये आपसे इनको विशेष ध्यान रखना होता है मित्रों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके लेटर्स यानी पत्र लिखने के मित्रों, और इसमें एडिटेज आगे हम बताते हैं आपको पत्र किस प्रकार किससे तैयार होते हैं। तो मित्रों फर्स्ट पत्र है आपका राइट अ लेटर योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेशन हिम टू हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी आपको अपने फ्रेंड्स को बधाई देनी है अपनी सफलता के, यानी आप एग्जाम में सफल हो चुके हो। तो सबसे पहले मैंने आप तक बताया था कि आपको देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको मिल चुका है, यानी क्या करना है आपको कॉन्ग्रेशन यानी बधाई पत्र लिखना है अपनी सफलता के लिए, अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, थीम आपको मिल चुकी है यानी सब्जेक्ट आपको मिल चुकी है। तो उसके बाद आगे टॉपिक आता है हमारा कि जो भी हम रिलेटिव यानी हम बनाएंगे जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो अपने सगे संबंधी को, यानी माय डियर्स, तो माय डियर सतीश किसी भी मित्र का नाम है, आई रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, मैंने जो आपका पत्र है वो अभी रिसीव किया हुआ है, ऑल दो आई सॉ योर रिजल्ट इन पत्रिका, मैंने जो तुम्हारा रिजल्ट है वो किसी भी न्यूज़पेपर या पत्रिका दी है कहीं पर भी, जैसे भी आपने देखा है ऑनलाइन जमाना है इस समय तो ऑनलाइन देखा है जैसे भी, यस्टरडे यट कल देखा था, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ योर रोल नंबर, मैं तुम्हारे रोल नंबर को लेकर भ्रम में था यानी श्योर नहीं था,
टुडे आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रीड योर लेटर दैट यू हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यानी मैंने जो आपका जो रिजल्ट देखा था, मैं बहुत खुश हूँ, रियली बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने जो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी इसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, जो भी आप लिखना चाहते हो, हाई स्कूल, एट, सेवन्थ, आप जो भी दे रहे हो एग्जाम में, कोई भी परीक्षा फिल कर सकते हो मित्रों, तो पास हुए, इसलिए वो काफ़ी खुश हैं। इन द फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन के साथ एग्जामिनेशन को पास हुआ है। रियली योर डिजर्व प्रेसेज योर दिस, यानी आप से शुभकामनाएं देता हूँ, या आपके लिए शुभकामनाएं सही डिजर्व करते हो आप। काइंडली एक्सेप्ट माई हियरेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, यानी जो सफलता है आपकी उसके लिए बधाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी जो भी बधाई है उन्हें स्वीकार कीजिए आप। योर सक्सेस इज हाईली इंस्पायरिंग ऑन एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइक मी, यानी जो आपकी सफलता है वो बहुत ऊंची है और ऑर्डिनरी तरीके से है। प्लीज़ डू कम टू अलीगढ़ फ्रॉम फ्यू डेज, आप मेरे साथ यानी मेरे गांव या कहीं पर भी जो भी है आपका, अलीगढ़ है या कहीं और है, आप उसे वहाँ जा सकते हैं। ऑल योर फ्रेंड्स आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल्स, तो देखिए ऑल योर फ्रेंड्स आर एंग्रली, यानी आपके जो इतने भी मित्र से हैं वो जल्दी से आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, हॉपिंग टू हर सोन फ्रॉम यू, आशा है, उम्मीदों में है मुझे मित्रों के आप जल्दी आओगे। योर सिंसियरली, यहाँ पर नाम आपको नहीं लिखना है मित्रों, जो भी है आपका एक्स वाई जेड लिखेंगे आप, ना ही आपको पता लिखने आए होते, और लास्ट में यहाँ पर आप डेट फिल कर दोगे मित्रों। इस तरह एक पत्र का प्रारूप रेखा, उसका जो होता है सब्जेक्ट होती है, हेडलाइंस होती है, सैल्यूटेशन होता है, लेटर द बॉडी होती है, और उसका सब्सक्रिप्शन होता है। इस तरह एक पत्र को तैयार किया जाता है मित्रों, जिसके अनुसार आपको दो अंक अर्जित यानी कन्फर्म पक्के होंगे। सेकंड लेटर लेते हैं इसका ही, नेक्स्ट लेटर है मित्रों, राइट अ लेटर योर फ्रेंड्स अबाउट योर फेवरेट गेम्स, यानी आपको एक पत्र लिखना है, जो भी आपका फेवरेट गेम्स हो, कोई भी हो सकता है, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एनी अदर एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है, एनीबडी, तो मित्रों कोई भी आपका जो फेवरेट गेम है आपको उस पर लिखना होगा। अब देखिए सब्जेक्ट को आपको चुनने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट का आपको है, और आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, सैल्यूटेशन देना है, और जो लेटर बॉडी है उसे प्रारूप रेखा तैयार करनी है। तो देखिए माय डियर्स रवि, जो भी है आपका, माय डियर रवि रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज एगो, मैंने जो आपका पत्र है कुछ ही समय पहले रिसीव किया हुआ है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव बीन टेकन इन द कॉलेज फुटबॉल 11, देखिए मुझे 11 जो फ्लोट फुटबॉल 11 है उसके लिए चुन लिया गया है, या गेम में जो आपका फुटबॉल पे लिखा हुआ है, ये फुटबॉल इज द माई मोस्ट इंस्प्रेसिव गेम, यानी जो फुटबॉल गेम है जो मुझे काफ़ी पसंद है। जस्ट वन फुटबॉल अमंग 20 प्लेयर्स, यानी फुटबॉल का जो गेम्स होता है उसमें ठीक 22 प्लेयर्स होते हैं मित्रों। इट क्रेटिएज इज फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड वंसनेस, तो देखिए इसका जो भी क्राइटेरिया हो जाता है वो फिल किया था इसके फीलिंग्स इन अवर ब्रदरहुड्स, यानी मुझे भाई से ही है। इट क्राइटेरिया इज मैथोडिकल हैबिट्स, टैक्स, प्रेजेंस, माइंड एंड स्मार्टनेस विच यू कैन नॉट बी सीन इन एनी अदर गेम्स, तो इसका जो पसंद है उन्हें गेम जो फुटबॉल है, इसलिए उन्होंने फुटबॉल के लिए काफ़ी कुछ लिखा है। और अदर्स गेम्स द हैबिट टू अविंग द रिफरेंस इज विसिल एंड लाइन मैन इज फ्लैग टीचर्स यूज ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी जो भी होता है गेम में, यानी जो हैबिट्स हैं, ओबिंग्स हैं, रिफरेंस रेफरी हो जाता है आपका, विसिल्स बनाता है, लाइनमैन खींचता है, और फ्लैग्स को टीच करता है, आपको ऑर्डर देता है, एंड द डिसिप्लिन दिस गेम इज गिव्स लॉट यू दिस गेम गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ये गेम एक ऐसा है जो हमारे व्यायाम कराता है। आई टुक पार्ट इन द टूर्नामेंटल हेल्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जो हमारा टूर्नामेंट होना हुआ है, किसका होना वाला, फुटबॉल का, जो यानी सेप्टेम्बर मंथ में होगा। आई वाज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम्स, और ये जो मैं कैप्टन इसका हूँ, या मुझे कैप्टन इसका चुन लिया गया है। वी वॉन द फाइनल मैच एंड गॉट द सीड, और हम फाइनल मैच को जीतेंगे। एंड आई प्लेड सो वेल दैट ऑल द स्पेक्टर प्रेस्ड मी मच, मुझे उम्मीद है कि मैं अपना जो गेम है बेहतर दे पाऊंगा, यानी अच्छा खेल पाऊंगा। आई गॉट अ सेट या 5 बुक्स बेस्ड ऑफ
मेडल बाई वे ऑफ प्राइज। आई गॉट अ सेट ऑफ 5 बुक्स। मैंने कुछ बुक्स का सेट लिया हुआ है जो आपको आपको इंस्पायर करेगा, यानी आपको प्रेरित करेगा। विद बेस्ट विशेज एंड काइंड रिवार्ड्स, यानी आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यू सिंसियरली महेश, यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है मित्रों। इस तरह आप किसी भी अपने फेवरेट गेम से, पर जो भी आपका फेवरेट गेम है, यानी जो मनपसंद गेम है आपका, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चेस हो या शतरंज हो, कोई भी आपका गेम हो सकता है मित्रों जो आपको पसंद हो, उस पर आप लिख सकते हो। कोई भी एग्जाम आपको लिखेगा तो यही देखेगा, या आपका विद्यालय देख सकता है या कोई एक टॉपिक देख सकता है। और जो आपका थर्ड पत्र है मित्रों, राइट अ लेटर योर फ्रेंड्स आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू। कुछ मित्रों के साथ आपको समर जाना है, समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टी पे जाना है, तो मित्रों को आपको पूछना है कि आप मेरे साथ चलोगे या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मिल चुका है समर वैकेशन, स्पेंड योर टाइम्स, यानी आपके जो मित्रों का टाइम्स है वो समर वैकेशन पर आप खर्च करना चाहते हो। तो देखिए, माय डियर्स अतुल, जो भी आपका फ्रेंड्स है आपका उसे दे देंगे। योर एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाई द टाइम ऑफ दिस लेटर रीच्ड यू। आपने जो लेटर लिखा है वो आपका एग्जामिनेशन फिनिश होने के बाद ही लिखा है। हाउ डिड यू फेस योर एग्जामिनेशन, आपने जो एग्जामिनेशन हुआ था किस तरह फेस किया था या किस तरह किया था। आई विश यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स, मुझे उम्मीद है कि जो आप यानी अच्छे मार्क्स पाओगे या प्राप्त करोगे। यू विल हैव समर वैकेशंस फ्रॉम May 21, यानी जो समर वैकेशन की छुट्टियां हैं आप जा रहे हो। यू विल हैव समर वैकेशन 21, May 21 को जा रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कम एंड स्पेंड योर वैकेशंस विद अस, यानी वो उसने रिक्वेस्ट की आपसे, प्रार्थना की है कि आप कुछ समय, यानी आप आकर के जो हमारा कुछ समय है वो अपने वैकेशन मेरे साथ खर्च कर सकते हो। इट्स इज क्वाइट कूल हियर्स, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हम उस प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको कैसा है, इट्स क्वाइट कूल हियर, यानी बिल्कुल शांत है, ठंडा है। आई एम श्योर विल यू एंजॉय नेचुरल ब्यूटी, मुझे उम्मीद है कि आप जो प्राकृतिक सुंदरता है आपका जिस स्थान पर है वो आप उसका आनंद लोगे। देयर आर मैनी टेम्पल्स हियर, वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं। दे आर वर्थ सीइंग बेसी डेज, देयर आर मैनी प्लेस और आउट गोइंग्स, हम काफ़ी अन्य जगहों पर भी जाएंगे। वी विल विजिट ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, हम पर्वतों की जो सुंदरता है हम उसे भी देखेंगे। टेम्पल्स यानी जो मंदिरों की सुंदरता है उसे भी देखेंगे। स्प्रिंग्स ETC आदि को हम देखेंगे। विल बी एंजॉय बाथिंग इन द होली गंगा, और जो हम गंगा का नहाने का भी आनंद लेंगे मित्रों। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस, मुझे उम्मीद है मित्रों को जो हम प्लेस पर अपना समर वेकेशन बताने जा रहे हैं, छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, आप उसे आपको पसंद होगा। यू विल गो बैक्स आफ्टर योर स्टे हियर्स प्लेस्टिंग विद यू एंग्री एंड वाइगर्स, माई प्रेजेंट विल बी वेरी ग्लैड टू हैव अमॉन्ग अस। प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग हियर, प्लीज़ आप बताइए हमें कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। काइंडली कन्वेरी माई रेस्पेक्टफुल कम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है जो आपकी पेरेंट्स को कम्प्लीमेंट्स दिए हैं वो काफ़ी उम्मीद पसंद है। और लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली नरेश, आपको नाम नहीं लिखना होता है मित्रों, जो भी आप लिखोगे या नाम नहीं लिखोगे, एक्सपायर कर दोगे, और अंत में यहाँ डेट आप अवश्य लिखोगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह पत्र लेखन की वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो सभी जितने भी हमारे BTC प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी भाई बहनों को इसको कीजिए शेयर, क्योंकि समय बहुत कम है और 2 अंक आपको अर्जित करने हैं मित्रों, इसलिए 2 अंक आपको कन्फर्म करने हैं। नमस्कार मित्रों।